नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जीव विज्ञान का पार्ट वन। और दोस्तों, जीव विज्ञान के पार्ट वन में डिस्कस करेंगे वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है या वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है थियोफेटस, बी है लाइनस, सी है ट्रेवलस और डी है अरस्तु। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि थियोफेटस को कहा जाता है वनस्पति शास्त्र का जनक। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है थियोफेटस, सी है हिप्पोक्रेटस और डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। वाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। ऑप्शन ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी पुर्तगाली और डी ऑप्शन है ग्रीक। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन डी, यानी कि ग्रीक भाषा के शब्द से वाटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान, बी रासायनिक विज्ञान, ऑप्शन सी जीव विज्ञान या फिर ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी और ऑप्शन डी है विषाणु। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है या किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इस ऑप्शन ए है एग्रोनॉमी, ऑप्शन बी अनुवांशिकी, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पारिस्थितिकी में किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डेंट्रोलॉजी का संबंध किससे है। डेंट्रोलॉजी का संबंध किससे है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि झाड़ियों के अध्ययन से। डेंट्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही है, एंथोलॉजी। इसके साथ बात चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए अस्थियों का, ऑप्शन बी जीवाश्मों का, ऑप्शन सी है प्राइमेट्स का और ऑप्शन डी पक्षियों का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, स्पर्मोलॉजी एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है बीजों का, ऑप्शन बी पत्तियों का, ऑप्शन सी फलों का या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए तेल के बीजों का, ऑप्शन बी फसलों का, ऑप्शन सी घासों का या फिर ऑप्शन डी फलों का।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है पादक रोगों का, ऑप्शन बी भूमि का, ऑप्शन सी प्रदूषण का, ऑप्शन डी चट्टानों का। दोस्तों पीडोलॉजी एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है ऑप्शन बी, यानी कि भूमि का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वर्गीकरण, ऑप्शन बी पहचान, ऑप्शन सी नामकरण और ऑप्शन डी वर्ग की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि वर्ग की कहलाता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन बी एंथोलॉजी, ऑप्शन सी पोमोलॉजी या ऑप्शन डी पोमोलॉजी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि पोमोलॉजी। सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन सी और डी एक ही हो गया है, तो दोस्तों यह दोनों ही माने जाएंगे। तो इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पोमोलॉजी, ऑप्शन बी पेनिनोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी या फिर ऑप्शन डी माइकोलॉजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पेरिनोलॉजी कहलाता है पराकणों का अध्ययन। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है या क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर यानी कि फाइटो जियोग्राफी कहलाता है, फाइटो जियोग्राफी कहलाता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है अरेलीकल्चर, ऑप्शन बी सेरीकल्चर, ऑप्शन सी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन डी पीसी कल्चर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अरेलीकल्चर कहलाता है साग सब्जियों उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन करना। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है डेंटोक्रोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंटोक्रोनोलॉजी। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की जो शाखा है जिसका नाम है कवक शास्त्र, दोस्तों इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन एक फन फूड का, ऑप्शन बी शब्दार्थ का, ऑप्शन सी कीट्स का या ऑप्शन डी पादप का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि फन फूड का किया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एक बार फिर से रिपीट प्रश्न, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि टिश्यू कल्चर कहलाता है। दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई इसमें गलती भी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सजेशन ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय माता दी।